राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 टाइम्स आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के बारे में। मुंबई इंडियंस के 2024 के कैंपेन के अराउंड रिवॉल्व करती है आईपीएल की आज तक की बिगेस्ट ट्रांसफर स्टोरी। इमेजिन कीजिए दोस्तों, कोई एक 2 साल पुरानी आईपीएल टीम हो और उसके कप्तान ने पहले साल उनको चैंपियन बनाया हो और दूसरे साल रनर अप, और आप उनसे उनका कप्तान ही छीन लें। कुछ ऐसा ही हुआ 2024 के ट्रांसफर विंडो में। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटन से हार्दिक पंड्या को ले लिया इन ऑल कैश डील, जिसका अमाउंट अनडिस्क्लोज्ड है। कुछ रिपोर्ट्स का तो ये तक कहना है कि 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि दी गई है मुंबई इंडियंस में हार्दिक पंड्या को वापस लाने के लिए। और आईपीएल ऑक्शन से पहले ये टेंशन बार बार बनी हुई थी कि हार्दिक पंड्या जाएंगे या नहीं जाएंगे मुंबई इंडियंस में। और यहाँ तक कि जब रिटेन प्लेयर की लिस्ट आई तो उस ओरिजिनल लिस्ट में गुजरात टाइटन्स के अंडर हार्दिक पंड्या का रिटेन प्लेयर में नाम था। और लेकिन इसके बावजूद भी 2-3 दिन के बाद हार्दिक पंड्या का ट्रांसफर हो गया मुंबई इंडियंस में। लेकिन इस सक्सेसफुल ट्रांसफर के साथ मुंबई इंडियंस के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल और सबसे सुंदर एरा का अंत होता है। हार्दिक पंड्या का मुंबई इंडियंस में वापस आने के नतीजे के कारण मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से निकाल दिया और हार्दिक पंड्या को नया कप्तान नियुक्त कर दिया मुंबई इंडियंस का। लेकिन हार्ड कोर मुंबई फैंस में काफ़ी गुस्सा है रोहित शर्मा को कप्तानी से निकालने का। रोहित शर्मा एक लेजेंडरी कप्तान है मुंबई इंडियंस के लिए। 5 IPL टाइटल जिताए रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को। लेकिन जैसा हम जानते हैं, क्रिकेट में एक समय होता है जब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर्स को देनी होती है। रोहित शर्मा जो 37 साल के हो जाएंगे इस साल, और शायद ये सही समय भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे ट्रांसफ़र करने की। ये एक ऐसी डिबेट है जो कभी ख़त्म नहीं होगी फैंस के बीच। लेकिन रोहित शर्मा चाहे कप्तान रहे या ना रहे, उनका दर्जा मुंबई इंडियंस में अभी भी वही रहेगा। मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा एक फादर फिगर की तरह है, ठीक उसी तरीके से जैसे चेन्नई में MS धोनी है। कप्तानी की जिम्मेदारी ना होना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है रोहित शर्मा के लिए, जो कि लास्ट 5 साल से आईपीएल में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप पिछले 5 साल के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 70 इनिंग खेली हैं जिसमें 1700 रन बनाए हैं 24.89 की एवरेज से और सिर्फ 127 की स्ट्राइक रेट से। और पिछले 5 सालों में रोहित शर्मा ने सिर्फ 8 बार 50 का आंकड़ा क्रॉस किया है। ये नंबर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन को। मुंबई इंडियंस और खुद रोहित शर्मा उम्मीद करेंगे कि इस साल उनका बहुत शानदार आईपीएल सीजन रहे, और खासकर लीडिंग इनटू T20 वर्ल्ड कप। 2021 मेगा ऑक्शन के बाद मुंबई इंडियंस ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, और जब से उनकी चैंपियन टीम अलग हुई है तब से मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस बहुत एवरेज हो गया है। 2021 में मुंबई ने 5th पोजीशन पर फिनिश किया था, और वहीं 2022 में वो बिल्कुल लास्ट आए थे 10th। 2023 का साल मुंबई इंडियंस के लिए तब भी काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी यंग टीम, काफ़ी इनएक्सपीरियंस टीम। उस टीम में से ऐसे ऐसे प्लेयर निकले जिनका किसी ने नाम तक नहीं सुना था। इतनी मुसीबतें झेलने के बाद मुंबई इंडियंस ने 2023 4th पोजीशन पर फिनिश किया था। इस साल मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा बूस्ट है कि जसप्रीत बुमराह दोबारा फिट हो गए हैं। 2023 का पूरा सीजन बुमराह ने मिस किया था, और तो और जोफ्रा आर्चर जो मुंबई इंडियंस के दूसरे मेन बॉलर थे, उन्होंने भी सिर्फ 2-4 मैच ही खेले थे और वो भी रूल्ड आउट हो गए थे। बुमराह की प्रेजेंस बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप पे, वो एक अलग ही डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं इस बॉलिंग लाइनअप में। सूर्य कुमार यादव भी काफ़ी समय से इंजरी के चक्कर में क्रिकेट से बाहर हैं। सुनने में ये आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव अब फिट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 1-2 मैच वो शायद मिस कर जाए मुंबई इंडियंस के। ईशान किशन भी काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद क्रिकेट में वापस आ रहे हैं। हाल ही में ही उन्होंने मेंटल फिटनेस के लिए एक ब्रेक लिया था, जिसके बाद वो अब कमबैक करेंगे आईपीएल में। इस साल का मिनी ऑक्शन मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा रहा, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर ऐड किए अपने स्क्वाड में। साउथ अफ्रीकन क्विक जेराल्ड कोटसे, श्रीलंकन नुवान तुषारा और श्रीलंका के ही दिलशान मधुशंका को ऐड किया है पेस बॉलिंग यूनिट में। जो पास की सक्सेसफुल MI की टीम होती थी उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती थी, पोटेंट फॉरेन पेस बॉलिंग अटैक। कोटसे, मधुशंका और तुषारा के रूप में बहुत अच्छे ऑप्शन मिले हैं। नुवान तुषारा तो बिल्कुल मलिंगा की याद दिलाते हैं। अगर हाल ही में आपने इनको खेलते हुए देखा है तो आपको बिल्कुल यही लगेगा कि मलिंगा दोबारा वापस आ गए हैं। जेराल्ड कोटसे ने भी काफ़ी बड़ी स्ट्राइड्स रखी इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत शानदार वर्ल्ड कप रहा था उनका। और वहीं मधुशंका ने भी खूब इम्प्रेस किया था अर्ली ओवर में अपनी स्विंग के साथ। मुंबई इंडियंस उम्मीद करेगी कि अगर मधुशंका को मौका मिले तो ट्रेंट बोल्ट जैसा काम कर सकें, लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर जो स्टार्टिंग में विकेट लेता हो। MI ने अफगानिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर मोहम्मद नबी को भी साइन किया है, जो कि बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, खासकर जब वो चेपॉक और कोलकाता जैसे ग्राउंड में खेलने जाएंगे। नबी काफ़ी पोटेंट स्पिन बॉलर हैं जो पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं और मिडिल ओवर में भी, और अच्छे फिनिशर भी जाने जाते हैं वो। MI ने एक प्री ऑक्शन ट्रेड भी किया जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। MI ने LSG से रोमेरियो शेफर्ड को ऑल कैश डील में साइन कर लिया, जो कि बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है इस समय, काफ़ी लंबे हिट भी लगा सकते हैं और एक डिसेंट मीडियम पेसर बॉलर भी हैं। एज अ बैकअप वो काफ़ी शानदार प्लेयर हैं। MI ने श्रेयस गोपाल को भी अपनी स्पिन बॉलिंग लाइनअप में ऐड कर लिया है, काफ़ी अच्छे लेग स्पिनर हैं गोपाल।
और रिसेंटली जब से उन्होंने केरला की तरफ स्विच किया है उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जो IPL 2023 के सबसे सुनहरे मोमेंट थे उसमें सबसे बड़ा था पीयूष चावला टर्निंग द क्लॉक बैक। क्या सीज़न रहा पीयूष चावला का लास्ट ईयर, 22 विकेट लिए पीयूष चावला ने, बहुत ही शानदार तरीके से बॉलिंग करी उन्होंने, मज़ा आ गया देख के। और आपको अच्छा भी लगता है जब वो क्रिकेटर परफॉर्म करे जिनको आपने बचपन में देखना स्टार्ट किया था। MI जानी जाती है डोमेस्टिक प्लेयर को स्काउट करने में और उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने में। यही रही पिछले IPL की स्टोरी, द फाइंड ऑफ आकाश मधवाल एंड नेहल वडेरा। क्या बेहतरीन टैलेंट है दोनों के दोनों। दोनों प्लेयर के पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस था लेकिन तब भी मुंबई इंडियंस ने उन्हें ढूंढा और मौके दिए, और क्या शाइनिंग कलर से पास हुए दोनों प्लेयर। आकाश मडवाल जो 29 साल के थे लास्ट ईयर और उनके पास बिल्कुल भी प्लेइंग एक्सपीरियंस नहीं था, एक साल पहले तक वो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे, तब भी सोचिए दोस्तों मुंबई इंडियंस ने उनमें इन्वेस्ट किया, उनको ये प्लेटफॉर्म दिया और जो फेथ रिपे किया आकाश मडवाल ने बहुत शानदार। 8 मैचेस खेले उन्होंने पिछले साल और 14 विकेटे लिए जिसमें एक मैच में उन्होंने 5 रन देके 5 विकेट भी लिए थे। सोचिए दोस्तों जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर पिछले साल रूल्ड आउट हो जाता है और मुंबई इंडियंस अनअर्थ करती है आकाश मडवाल को डेथ में डालने के लिए, और इस तरीके से रोल प्ले करते हैं आकाश मडवाल। लास्ट ईयर के IPL के बाद आकाश मडवाल का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा, मैं उनको देखना चाहता हूँ इंडिया की जर्सी में खेलने के लिए, काफ़ी अच्छे डेथ बॉलर हैं वो और काफ़ी टैलेंट है उनमें। और वहीं 23 वर्षीय नेहाल वडेरा जो कि पंजाब से आते हैं वो भी बहुत ही अच्छे प्लेयर लगे। नेहाल वडेरा ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला था लास्ट ईयर तक और बहुत ही कम T20 मैचेस खेले थे उन्होंने जूनियर लेवल पे, लेकिन जब नेहाल वडेरा को मौका मिला वो एक बिल्कुल प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट लगे मेरे को, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव। करंट सिचुएशन में आकर उन्होंने मैच जिताए मुंबई इंडियंस को, 250 भी लगाई थी पिछले सीजन उन्होंने, 10 इनिंग में 240 रन बनाए नेहाल ने, 145 की शानदार स्ट्राइक रेट से। मेरे को पूरी उम्मीद है फ्यूचर में जाके हम इन दोनों खिलाड़ी निहाल वडेरा और आकाश मडवाल का नाम खूब सुनेंगे। मुंबई इंडियंस और हार्दिक पंड्या का सबसे बड़ा चैलेंज होगा इन सुपरस्टार से भरी हुई टीम को इकट्ठा रख के खेलना। अगर ये सारे प्लेयर यूनिटी के साथ खेले तो मुंबई बहुत अच्छा कंटेंडर होगा 6 IPL टाइटल जीतने का। MI ने लास्ट ईयर कैमरॉन ग्रीन को खरीदा था, उनका पहला IPL सीजन था ये, और बहुत शानदार परफॉर्मेंस करी कैमरॉन ग्रीन ने, एक शतक भी लगाया था उन्होंने और काफ़ी इम्पैक्टफुल पारियां भी खेली थी और साथ में हैंडी बॉलिंग की थी। MI का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है शुरू के जो 5-6 बैट्समैन हैं सारे इंडियन, रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पंड्या, नेहाल वगैरह, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर है इनका। और अगर आपकी टीम में स्टार्टिंग के 5-6 इंडियन बैट्समैन हो तो ये आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनेशनल पेस बॉलर खिलाएं मैक्स टू मैक्स। MI सिर्फ टिम डेविड को खिलाएगी एज एन इंटरनेशनल फिनिशर और बाकी सारे बॉलर, और हो सकता है मोहम्मद नबी को भी मौका दें इसके चक्कर में, जिससे कि उनकी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी हो जाएगी और बैटिंग में भी काफ़ी डेप्थ आ जाएगी। आइए देखते हैं MI की प्रोबेबल प्लेइंग 11। रोहित शर्मा ओपनिंग विद ईशान किशन, नंबर 3 पे तिलक वर्मा, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, 5 पे हार्दिक पंड्या, 6 पे टिम डेविड, 7 पे मोहम्मद नबी, 8 पे जेराल्ड कोडसे, 9 पे पीयूष चावला, 10 पे जसप्रीत बुमराह और 11 पे मैं आकाश मडवाल को रख रहा हूँ। मेरी टीम में सिर्फ 3 इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इतनी सारी भागदौड़ और जुगाड़ लगाने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। एक के बाद एक शानदार प्लेयर आएंगे, एक के बाद एक हिटर आएंगे, लेकिन रोहित शर्मा टॉस पे नहीं आएंगे।